हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जूम 125 के बारे में, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे यामाहा के रे ZR 125 में। तो अभी भारतीय बाजार में आपको जो 125 सीसी के स्कूटर हैं वो लिमिटेड ही देखने के लिए मिलेंगे, बट धीरे धीरे सारे ब्रांड 125 सीसी के सेगमेंट में अपने स्कूटर स्विच कर रहे हैं, जिसमें से ही आपको रिसेंट अपडेट मिलेगा हीरो की तरफ से, जो कि हीरो का जूम जो है पहले 110 में आया करता था, बट अब आपको 125 और 160 दोनों ही वेरियंट में ये नज़र आने वाला है। तो इसका कंपैरिजन हम यामाहा रे ZR 125 से करेंगे। ये स्कूटर भी काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक एक्सट्रीम लेवल का बढ़िया सा कंपैरिजन होने वाला है, जिसमें आपकी सारी दुविधाएं सॉल्व होंगी कि आप अगर 125 सीसी का स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो कौन सा स्कूटर लें, ये सारी इंक्वायरी आपकी फुलफिल होंगी। और बाकी का, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी देख रहे हैं 125 सीसी का एक स्कूटर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्कूटर की, जो कि है हमारा जूम 125, तो जूम 125 का जो फ्रंट का लुक आएगा कुछ इस तरीके का, फुल LED सेटअप के साथ लाइट आएगी, इंडिकेटर्स आपको LED ही नज़र आएंगे इस स्कूटर में, और काफ़ी बढ़िया लुक आएगा। और लुक जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको नज़र आएगा पुराने वाले जूम 110 से, जो कि स्टिल यहाँ पर थोड़ा सा बल्की एंड थोड़ा सा हैवियर हो जाता है। जैसे कि आप देखोगे, आपको कलर ग्रेडिंग, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे इसके अंदर नज़र आएंगे। और स्टार्टिंग से ही जूम का जो फोकस था वो रेड कलर पे ही रहा है, तो ये आपको लाइक सेम प्लेटफॉर्म पे ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देखोगे, आपको जो फ्रंट का लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर नज़र आएगा पुराने वाले मॉडल से, यहाँ देखोगे बस थोड़ा सा बल्कि हो जाता है। बात करिए इसकी फ्रंट की लाइट की, तो यहाँ आपको फुल LED सेटअप लाइट नज़र आएगी, जिसमें आपको LED DRLs नज़र आएंगे और काफ़ी अच्छी लाइट सेटअप नज़र आएगी। बात करी जाए इसके टायर और सस्पेंशन वगैरह की, तो यहाँ टायर जो है आगे का आपको 90x90 का एक ट्यूबलेस टायर नज़र आएगा 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ में, और जो सस्पेंशन हैं वो आपको टेलीस्कोपिक नजर आएंगे। और जो आगे का जो लुक देखोगे ना, तो इसको काफी ज्यादा बढ़िया बना देता है टायर साइज के हिसाब से। बाकी का यहाँ पर आपको देखोगे फ्रंट का जो मडगार्ड है वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा, जूम की बेजिंग नजर आ जाएगी और काफी बढ़िया यहाँ पर आपको फ्रंट बल्कि लुक नजर आएगा। साइड पैनल्स अगर मैं दिखाऊं, तो साइड पैनल्स पर भी आपको ये 125 की बैजिंग नजर आ जाएगी, जैसे कि शो कर देते हैं एक बार, यहाँ पर देखोगे आपको 125 की बैजिंग नजर आ जाएगी। अभी चलते हैं हम यामाहा रे ZR 125 की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसके फ्रंट लुक की अगर बात करूँ, तो यहाँ सबसे पहले आपको एक विंडशील्ड देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया लुक ऑफर करता है। और यहाँ देखोगे ना, एक छोटी सी चीज है जो इसको और ज्यादा स्पेशल और यूनिक बनाती है, जो कि है इसके ये वाला पार्ट, जो कि है एक DRL। हालांकि ये डिजाइन काफी अच्छा नजर आता है, बट ये एक DRL भी है जो इसके लुक को और ज्यादा एनहेंस करता है। बाकी यहाँ देखोगे फ्रंट का लुक जो है काफी बढ़िया निकल के आता है। यहाँ देखोगे आपको यहाँ ब्लू की बैजिंग लाइट देखने मिलेगी, और इसके अंदर ना आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे लिमिटेड जो होंगे, जो इस गाड़ी को हाइब्रिड बनाते हैं। मतलब कि ये वन एंड ओनली स्कूटर एक ऐसा है जो मार्केट में आपको इस फीचर के साथ नजर आएगा, लाइक हाइब्रिड। हाइब्रिड इन द सेंस के जब आप नॉर्मली इनिशियल पिकअप लेते हो तो इसकी बैटरी हेल्प करती है, ना कि इंजन हेल्प करेगा, मतलब कि ना कि इसका फ्यूल हेल्प करेगा। बैटरी की हेल्प से इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम होता है, और जो पावर है और इंजन की लाइफस्टाइल है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इसको स्पेशल बनाती है जूम से भी और मार्केट के और 125 सीसी के सेगमेंट के और सारे स्कूटर्स से। बात करूं मैं इसके इंडिकेटर्स की, तो यहां आपको इंडिकेटर्स जो है वो हैलोजन सेटअप ही मिलेंगे, और इसके अंदर आप एडिशनल परचेज करके LED वाले लगवा सकते हैं। ये वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये यामाहा अपनी लगभग सारी गाड़ियों में ही ऑफर करेगा। बात करिए इसकी लाइट की, तो यहां आपको सबसे पहले फ्रंट की जो लाइट मिलती है वो फुल LED सेटअप नजर आ जाएगी। एक बार आपको शो कर देते हैं, यहां देखोगे आपको फुल LED सेटअप के साथ यहाँ लाइट नज़र आ जाएगी, जो कि फ्रंट का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा जानदार एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल के आता है। हाई बीम लो बीम सेटअप के साथ में जो है वो फुल LED लाइट मिलेगी। और यहाँ पर अगर बात करूँ मैं इसके टायर साइज़ की, तो यहाँ आपको फ्रंट में 12 इंच का टायर मिलेगा, लाइक देखोगे 12 इंच का अलॉय व्हील के साथ में 90x90 का एक ट्यूबलेस टायर नज़र आ जाएगा। फ्रंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ आपको फ्रंट में डिस्क नज़र आ जाएगा, जो कि आपको जूम 125 में भी डिस्क देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर भी आपको डिस्क नज़र आएगा। तो जो टायर साइज़ है वो फ्रंट का तो ऑलमोस्ट दोनों का ही सिमिलर निकल के आता है, दोनों में कोई डिफ्रेंसेस निकल के तो आते नहीं हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और फ्रंट की ग्रिपिंग और फ्रंट की ब्रेकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना देता है।
अभी अगर बात करूं मैं जूम के रेयर व्यू रेयर सीट की, तो यहां पर आपको सीट हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और यहां मीटर जो है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नज़र आने वाला है, जिसके अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी नज़र आ जाएगा। यहां आपको सारे स्पेसिफिक फीचर जो हैं वो अपडेटेड ज़माने के हिसाब से ही मिलेंगे, जो कि नीडेड होंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स नज़र आएंगे। बात करूँ मैं यहाँ पर रेजेडआर 125 के बारे में, तो यहाँ आपको फ्रंट में जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा और काफ़ी बढ़िया है लुक देखने को मिलेगा, और इसकी सीट भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। हालांकि सीट हाइट जो है वो यहाँ इसकी ज़्यादा देखने मिलेगी और जो स्पेस है वो जो अंदर जो बूट स्पेस जो होता है वो ऑलमोस्ट दोनों ही स्कूटर्स के अंदर आपको सेम मिलेगा। यहाँ फ्यूल टैंक की अगर बात करूँ तो फ्यूल टैंक जो है वो 5.2 लीटर का यहाँ फ्यूल टैंक नज़र आ जाएगा। बाकी का स्पेस आपको एक फुल फेस हेलमेट का स्पेस इजिली इस स्कूटर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सीट हाइट यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा 785 mm सीट हाइट, और आपको जो मीटर है यहाँ आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको अगेन आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो ज़रूर से देखने के लिए मिलेगी। बाकी टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ नज़र आएगा, मतलब कि ब्लूटूथ जो है वो दोनों ही मॉडल्स ऑफर करेंगे, दोनों ही मॉडल्स के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन नज़र आ जाएगा। बाकी जो नॉर्मल से स्पेसिफिकेशंस हैं डिटेल्स के अंदर बात करी जाए, मीटर के अंदर क्या कुछ डिटेल है वो सारी सेम ही डिटेल नज़र आएंगी। फ्यूल टैंक, इंजन और यहाँ पर इंजन लाइट और पार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। बात करी जाए रेयर बुक की, अब यहाँ पर टेल लाइट की जूम 125 की, तो टेल लाइट जो है जूम की वो थोड़ी सी यूनिक देखने मिलेगी। लाइक दोनों तरफ साइड्स में आपको टेल लाइट नज़र आएगी, किसी भी तरीके का बीच में कोई एक लाइट नज़र नहीं आएगी, जो कि और ज़्यादा यूनिक बनाएगी इस मॉडल को भारतीय बाज़ार में। अभी बात करूँ मैं यहाँ ग्रैब हैंडल्स की, तो ग्रैब हैंडल जो है वो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। यहाँ देखोगे यहाँ जो ये लाइट है ये मैंने अगेन बताई थी साइड्स में नज़र आएगी, और इस जगह पे इसका पीछे की तरफ फ्यूल टैंक होगा, जो कि आपको रेजेडआर में अंदर की तरफ फ्यूल टैंक नज़र आएगा। हालांकि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 5.5 लीटर दोनों में ही नज़र आएगी, और यहाँ देखोगे पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके का लुक नज़र आएगा। ग्रैब हैंडल्स जो हैं वो यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ साइड्स में स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी अच्छा कंफर्ट निकल के आते हैं। बाकी देखोगे यहाँ आपको फ्यूल टैंक जो है वो बाहर की तरफ नज़र आएगा। बात करी जाए यामाहा रेजेडआर 125 की लाइट के बारे में, तो यहाँ कुछ इस तरीके की लाइट नज़र आएगी। थोड़ा सा ओल्ड फैशन डिज़ाइन ज़रूर है, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी अच्छी सीट हो जाती है। बात करी जाए इसके इंडिकेटर्स की, तो यहाँ आपको हैलोजन इंडिकेटर्स ही नज़र आने वाले हैं, किसी भी तरीके के LED नज़र नहीं आएंगी। ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ आपको सिंगल इस टाइप का ग्रैब हैंडल नज़र आएगा, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें देखने के लिए नज़र आएंगी। बात करी जाए जूम के इंजन और रेयर टायर की, तो यहाँ आपको 12 इंच का अलॉय व्हील नज़र आएगा, 120 सेक्शन का टायर। इंजन की बात करी जाए तो 125 सीसी सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व BS6 इंजन नज़र आएगा, जो जनरेट करेगा 9.5 PS पावर एंड 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मतलब कि इंजन की जो पावर फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से नज़र आएंगी। बाकी यहाँ देखोगे आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट नज़र आएगा रेयर के व्यू में। बाकी किस स्कूटर को आप ज़्यादा मार्क्स देना चाहोगे रेयर व्यू के मामले में, जूम 125 को या फिर यामाहा रेजेडआर 125 को? और यहाँ देखोगे आपको जूम की बैजिंग के साथ में ये नज़र आएगा, कलर ग्राफिक्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। जैसा कि मैं अभी थोड़ा सा साइड में दिखा देता हूँ, यहाँ जो इसका एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ का है, और जो इसके व्हील्स हैं मतलब कि अलॉय व्हील्स हैं वो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर करेंगे। बाकी इसका रेयर का जो टायर है वो अगेन बता देता हूँ, एक मतलब कि 120 सेक्शन का आपको 12 इंच का अलॉय व्हील नज़र आएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया टायर साइज हो जाता है इस स्कूटर के अंदर। अभी बात करूँ मैं रेजेडआर 125 के बारे में, तो रेजेडआर 125 के इंजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको इंजन जो है 124 सीसी सिंगल सिलेंडर 4-वाल्व इंजन नज़र आएगा, और यहाँ देखोगे एग्जॉस्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर जूम 125, और यहाँ टायर जो है रेयर वो 10 इंच का नज़र आएगा, जो कि जूम में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील नज़र आता था। तो ये चीज़ थोड़ी सी वीक पॉइंट हो जाती है, यहाँ पर आपको रेयर जो टायर है वो थोड़ा सा छोटा देखने के लिए मिलेगा एज कम्पेयर जूम 125। बाकी यहाँ मैं आपको इसका इंजन शो करूँ, तो इंजन जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पावर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। बाकी इसके अंदर आपको इंजन जो है
124cc सिंगल सिलेंडर BS6 जो है वो आपको फेज टू इंजन नजर आएगा जो जनरेट करेगा 8.5 PS की पावर एंड 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। जो BHP है वो थोड़ी सी कम नजर आएगी जूम 125 से, बट जो टॉर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही नजर आएगा। और जो रियर सस्पेंशन है वो आपको स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन नजर आएगा रेजेडआर 125 के अंदर। बाकी बिल्ड क्वालिटी के मामले में यामाहा ने किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलने वाली है। अभी मैं बात कर लेता हूँ प्राइसिंग के बारे में। तो जूम 125 की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड आपको 80,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होके 90,000 एक्स शोरूम तक जाने वाला है। हालांकि जो जूम 110 का प्राइस है वो बेस मॉडल टॉप मॉडल का आपको 80,000 एक्स शोरूम नज़र आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस स्कूटर का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बेस मॉडल 82,000 to 83,000 नज़र आएगा, और जो कि टॉप जाते जाते लगभग 100,000 हो जाएगा। हालांकि इस स्कूटर के अंदर भी आपको लगभग 1 to 2 वेरियंट तो देखने के लिए मिलने ही वाले हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके की कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का मॉडल्स जो हैं वो दो देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ रेजेडआर 125 के प्राइसिंग के बारे में, तो रेजेडआर 125 का जो प्राइस है वो आपको 86,000 एक्स शोरूम नज़र आएगा। और रेजेडआर के अंदर आपको और भी वेरिएंट्स नज़र आएंगे जिसमें आपको मॉन्स्टर एडिशन भी देखने के लिए मिलेगा और भी एक दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो 86,000 एक्स शोरूम से ये स्कूटर स्टार्ट होगा। हालांकि जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग में कोई बड़ा मेजर डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों ही स्कूटर्स में। दोनों का ही स्कूटर आपको ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस प्लेटफॉर्म पे नज़र आएगा। बाकी का आपको कौन सा स्कूटर बढ़िया लगा है, कौन सा स्कूटर बेस्ट लगा है हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छा लगा है यामाहा का रेजेडआर 125 या फिर हीरो की तरफ से आने वाला मोस्टली न्यू अपडेटेड जूम 125 हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर देख रहे हैं 125cc का स्कूटर भारतीय बाज़ार में, तो आप ऑफ कोर्स इस स्कूटर के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हीरो का जूम है वो आपको भारतीय बाज़ार में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देखने के लिए मिलने वाला है बहुत ही जल्द। बाकी का वीडियो कैसे लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए।